फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, यूट्यूब चैनल, जहां पर मैं आपको हर एक कंपटीशन में, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो रहे हैं, सभी में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको मैं एक एक करके आ रहा हूं बहुत छोटी छोटी सी वीडियो में, जिसको आप लोग लास्ट मोमेंट में भी अगर देखोगे तो सारे के सारे आप ईजिली कम्प्लीट कर सकते हो। तो इसको मैं ईजी लैंग्वेज में, हिंदी इंग्लिश बोथ बायलिंगुअल लैंग्वेज में आपको लेकर आ रहा हूं, जहां पर हिंदी में भी अगर आप लोग जो है टॉपिक को कर सकते हो, इंग्लिश में भी ईजिली कर सकते हो। सबसे पहला टॉपिक बिना लिस्ट किए हम लोग करते हैं स्टार्ट। इसको बोलते हैं नाउन, हिंदी में बोलते हैं आपको संज्ञा, ठीक है। तो संज्ञा का मतलब है, नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, एवरीथिंग, आइडिया, वट एवर वी थिंग्स, जो भी हम अपने अराउंड देखते हैं, जिसका कोई पर्सनल व्यू है, जिसको हम लोग ईजिली ऑब्जर्व कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें नाउन में आती है। हिंदी में बोल सकते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। जैसे प्लेस स्थान हो गया, झांसी बोल सकते हैं, लंदन बोल सकते हैं, दिल्ली बोल सकते हैं, किसी भी सिटी, किसी भी कंट्री, किसी भी एरिया का नाम, किसी का भी नाम। पर्सन, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ अपने खुद का नाम बोल सकता हूँ, लक्ष्मेंद्र है, बॉब है, टॉम है, जैरी है, मोटुक है, फिजिन है, कोई भी नाम जो होते हैं वो सभी पर्सन में आ जाते हैं। एनिमल, कितने भी टाइप के जो आपके एनिमल हैं, डॉग, कैट, रैट, एलिफेंट एक्सेट्रा। थिंग्स, जैसे टेबल है, पेन है, चेयर है, कॉपी है, रबर है, पेंसिल है, प्लास्टिक है, ये सब क्या होते हैं आपके थिंग्स में आते हैं। इवेंट्स, आइडिया जो बोल सकते हैं हम लोग, जैसे कि डिवोशन है, हैप्पीनेस है, क्रिएशन है, सॉरोनेस है, ये सब क्या होते हैं आपके एक तरीके से नाउन होते हैं, प्रॉपर नाउन होते हैं, कॉमन नाउन। टाइप्स की बात करते हैं तो यहाँ पर पांच तरह के नाउन होते हैं, कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कॉन्क्रीट नाउन, काउंटेबल नाउन, नॉन काउंटेबल नाउन, कलेक्टिव नाउन, कंपाउंड नाउन। और ये सभी एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछी जा रही है। विदाउट स्टार्ट की हम लोग पहले बात करते हैं, प्रॉपर नाउन रिफर्स टू अ नेम, थिंग्स, प्लेस और एक्सेट्रा। किसी भी चीज़ के जो परफेक्ट नाम होता है, प्लेस होती है, थिंग्स होती है, उनको ही हम लोग बोलते हैं हमेशा। ट्रिक की अगर बात करते हो, ट्रिक से आपको स्टार्ट करते हैं कि ऑलवेज बिगिन विद अ कैपिटल लेटर, हमेशा उसका पहला अक्षर आपका बड़ा होगा। जैसे किसी सिटी का नाम है, किसी का नाम है, पर्टिकुलर प्रॉपर नाम है, मतलब किसी एक ही पर्सन का हो सकता है। सेकेंड हमने कहा कॉमन नेम, विच इज़ कॉमन फॉर द मैनी थिंग्स, पर्सन, प्लेस, ऐसे नाम जो कॉमन होते हैं सभी के लिए। जैसे कि मैंने बोला कंट्री, कोई फिक्स नहीं है कौन सी कंट्री की बात कर रहा हूँ, सिटी कौन सी स्ट्रीट है, स्ट्रीट कौन सी स्ट्रीट है, मतलब किसी चीज़ के लिए फिक्स नहीं, एक कम समूह में दे रहे हैं, एक कॉमनली उसे बोला जा रहा है। थर्ड बोलते हैं हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब समथिंग विच कैन नॉट बी सीन बट इज देयर, ऐसी चीज़ है जो होती नहीं है, दिखती नहीं है पर होती हैं। जैसे कि मैंने बोला ट्रुथ, सच्चाई, ऑनेस्टी, फीलिंग्स, सॉरो, दुख, सुख, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, फील कर सकते हैं लेकिन होती नहीं है, उन सबको बोलते हैं हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन। थर्ड में बात करूँ कॉन्क्रीट नाउन, एग्जिट अपोजिट टू द एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ऐसी चीज़ें जो होती भी हैं, फील भी कर सकते हैं और दिखाई भी देती है, वो सारी होते हैं आपकी कॉन्क्रीट नाउन। जैसे मटेरियल वर्ड है, जिस चीज़ से बना हुआ है, चेयर है, टेबल है, पेन है, पेंसिल है, कॉपी है, ये सब क्या आपकी कॉन्क्रीट नाउन है। काउंटेबल नाउन का मतलब है दैट कैन बी काउंटेबल, मतलब ऐसी चीज़ें जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, उनको बोला जाता है काउंटेबल नाउन। इनके लिए ट्रिक भी होती है कि इनके साथ हमेशा आर्टिकल यूज़ होते हैं, ए है, एन है, द है, हमेशा ऑलवेज यूज़ होते हैं। एग्जाम्पल, वन चेयर, टू चेयर, थ्री चेयर, वन पैन, टू पैन, थ्री पैन, वन पेयर ऑफ शूज़, थ्री पेयर ऑफ शूज़, वन काउंटेबल, मतलब काउंटेबल है। नॉन काउंटेबल की बात करते हैं, कैन नॉट बी काउंटेड, जैसे मैं बोलूँगा एक वाटर दो, दो वाटर दो, मतलब वाटर नॉन काउंटेबल है। तो वाटर हुआ, शुगर हुआ, ऑयल है, जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, संख्यावाचक करेंगे, वो हो जाते हैं आपके। फिफ्थ आता है आपका कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है, जहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं, कलेक्टिव मतलब अ वर्ड, अ ग्रुप ऑफ पीपल, थिंग्स और वन नेम, कि किसी के समूह को हम जो पर्टिकुलर नाम दे देते हैं, कलेक्टिवली हम लोग बोलते हैं। जैसे बॉयस, कोई फिक्स नहीं है, बहुत सारे लड़कों को बोल रहे हैं, गर्ल्स बहुत सारी लड़कियों को बोल रहे हैं, टीम बहुत बड़ी पूरी 10-12 लोगों की टीम को बोल रहे हैं, कैटल्स मतलब जो चरने वाले हैं, कैटल्स की बात करें तो एक ग्रुप की बात कर लेते हैं हम लोग। और इसके बाद आती है आपकी कंपाउंड नाउन्स। कंपाउंड नाउन्स का मतलब है टू और थ्री नाउन्स अपीयर इन अ सेम पार्ट ऑफ स्पीच, ऐसी जगह जहाँ पर दो तीन नाउन एक साथ दिखे, जैसे डॉटर इन लॉ, फादर इन लॉ, सिक्स पैक, कॉम्बो पैक, गिफ्ट पैक, जहाँ पर दो से ज़्यादा नाउन, दो या दो से ज़्यादा नाउन आपको एक साथ दिखाई देते हैं, उनको हम लोग इकट्ठे बोलते हैं कंपाउंड नाउन। प्लीज़, जो लोग आपके नए हैं वो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, या फिर मेरे चैनल को पढ़, जिससे कि मैं आगे भी ऐसी वीडियो बना सकूँ, प्लस आगे हर एक पार्ट की मैं ट्रिक भी लेकर आ रहा हूँ। थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।